ब्राह्मणी नदी वास्तव में पूर्वी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ ब्राह्मणी नदी का परिचय दिया गया है। ब्राह्मणी नदी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जो मुख्य रूप से ओडिशा और झारखंड राज्यों से होकर बहती है। यह क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और क्षेत्र की जल निकासी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में विलय से पहले ओडिशा और झारखंड राज्यों से होकर पूर्व की ओर बहती है। नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी और बैतरणी नदी शामिल है। ब्राह्मणी नदी इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि का समर्थन करती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है और इसके किनारे रहने वाले लोगों के लिए पानी का एक आवश्यक स्रोत है। नदी बेसिन अपनी खनिज समृद्ध मिट्टी के लिए भी जाना जाता है, जो आसपास के क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता में योगदान देती है। सिंचाई, पनबिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ब्राह्मणी नदी और उसकी सहायक नदियों पर कई बांध और जलाशयों का निर्माण किया गया है। राउरकेला बांध और रेंगाली बांध ब्राह्मणी नदी पर उल्लेखनीय संरचनाएं हैं। ब्राह्मणी नदी बेसिन एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कृषि उद्योगों और मानव बस्तियों का समर्थन करता है। नदी का पानी आसपास के क्षेत्रों में आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकास और परिवर्तन समय के साथ हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी के लिए हाल के भौगोलिक सर्वेक्षणों, आधिकारिक दस्तावेजों या स्थानीय अधिकारियों को देखने की सिफारिश की जाती है।